Here we are going to discuss problem number one. This is the solve problem of when two partners become insolvent. So see the problem. This is already solved. Narendra, Devendra and Mahendra are partners sharing profit and losses at 3:3:2. The business is dissolved on 31st March 2020 when their balance sheet stands below. Now this is the balance sheet. Now here the adjustment. They decided to dissolve the partnership on the above date as follows. Machinery and stock are sold for ₹50,000 and ₹36,000 respectively. Debtor realized for ₹40,000. Motor car is taken by Devendra for ₹26,000. Realization expenses amounted to ₹2,000. Deficiency of any partner in capital account is to be met by other partner in profit sharing ratio. मीन्स अगर डेफिशिएंसी हो रही है किसी पार्टनर की तो वो अदर पार्टनर पे करेगा. कैसे पे करेगा? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन ₹10,000 ओनली. आफ्टर इंसॉल्वेंसी महेंद्र ₹10,000 लेकर आ पाया है एंड नरेंद्र इंसॉल्वेंट है. नरेंद्र कुछ नहीं लेकर आ पाया. नाउ सी द प्रॉब्लम. सो फर्स्टली व्हाट टू डू. फर्स्टली असेट और लाइबिलिटी आपको ट्रांसफर कर लेनी है रियलाइजेशन अकाउंट में. देन यू हैव टू ट्रांसफर द बैलेंसेस. सो सी इन द असेट साइड प्लांट एंड मशीनरी मोटर कार सन्ड्री डेटर स्टॉक ये सारा यहाँ पे देखो ट्रांसफर कर लिया है. प्लांट एंड मशीनरी मोटर कार सन्ड्री डेटर एंड स्टॉक आउटर में टोटल है 3,30,000. ओके तो जस्ट लाइक दिस लाइबिलिटीज भी यहाँ पे ट्रांसफर करने. लाइबिलिटी में सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर है तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया है. देखो सन्ड्री लाइबिलिटी में क्रेडिटर ऑफ ₹2,00,000. देन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नरेंद्र देवेंद्र महेंद्र. तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में ये बैलेंसेस ट्रांसफर कर लिए हैं. ओके नाउ सी द एडजस्टमेंट. मशीनरी स्टॉक आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड ₹36,000 रिस्पेक्टिवली एंड डेटर भी रियलाइज हुआ है 40,000 में. यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम नहीं है मतलब कि ये फर्म ने सोल्ड किए है. यहाँ पे बाय बैंक के हेडिंग में बिकॉज दिस असेट इज रियलाइज बाय फर्म दैट्स वाई वी हैव टू राइट ऑल दैट असेट अंडर द हेडिंग ऑफ बैंक अकाउंट. सो मशीनरी स्टॉक एंड डेटर रियलाइज वैल्यू से यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाती है. आउटर में टोटल है 1,26,000 एंड सेकंड इफेक्ट नेचुरली इसका बैंक में होना है. सो बैंक अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है और यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000. एट द सेम टाइम यहाँ पे बैलेंस भी ट्रांसफर किया है 10,000 का बिकॉज यहाँ पे कैश एट बैंक है 10,000 तो ये बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया था. देन सी द नेक्स्ट. मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र फॉर ₹26,000. तो मोटर कार किसने लिया? देवेंद्र ने लिया. सो देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट के हेडिंग में दिखाएंगे. सो बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मोटर कार टेकन 26,000 एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो देवेंद्र कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल में आएगा और किस कॉलम में? देवेंद्र के कॉलम में. टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000 ये हो गया है. देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 के है इसका मतलब इसे पेड करना है. ओके तो यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो कहाँ पे होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में. यहाँ पे क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट क्रेडिटर लायबिलिटी है. तो अगर लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है फिर भी आपको लायबिलिटी पे करनी है. लायबिलिटी पेड नहीं किया और आप आगे बढ़ गए तो ये आपका प्रॉब्लम टैली नहीं होगा. ओके सो लायबिलिटी यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर है 2,00,000 तो वो पे करना है एंड आफ्टर दैट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं. देन यू कैन मूव फर्दर. तो आप आगे ऐसे बढ़ सकते हो. तो यहाँ पे लायबिलिटी
कौन से हेडिंग में दिखाएंगे? टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर पेड 2 लाख, एक्सपेंसेस पेड 2000, इन आउटर इट इज 2 लाख 2000, एंड इसका सेकंड इफेक्ट होना है बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख फॉर क्रेडिटर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000 फॉर एक्सपेंसेस। इस तरीके से ये क्रेडिटर और एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पे दिखाई है। देन नेक्स्ट, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपके खत्म हो रहे हैं एंड डिफिशियंसी आपको कैलकुलेट करनी है। सो फॉर दैट पर्पस फर्स्टली रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। ओके, तो यहाँ पे रियलाइजेशन का टोटल आता है 5,32,000, यही टोटल यहाँ पर भी है। एंड यहाँ पे रियलाइजेशन में क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, डेफिनेटली लॉस ही आएगा क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम है। एंड लॉस जो है वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, इन देयर PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये लॉस जो है वो क्रेडिट में आया, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में दिखाना है। सो डेबिट में इसको टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये सारा लॉस यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, यू हैव टू मेंशन दैट इन द ब्रैकेट। नाउ फॉर क्लोजिंग दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्टली वी हैव टू क्लोज द पार्टनर हु इज इंसॉल्वेंट। उसका कॉलम पहले क्लोज करो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर है। नाउ सी हु इज इंसॉल्वेंट पार्टनर हियर, फर्स्टली द नरेंद्र, नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट, तो नरेंद्र यहाँ पे इंसॉल्वेंट पार्टनर है। ओके, तो बिफोर दैट नरेंद्र इंसॉल्वेंट पार्टनर है, बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू पोस्ट, महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली। महेंद्र ने 10,000 रुपीज लाया है फर्म में, तो ये महेंद्र की एंट्री सबसे पहले करते हैं। महेंद्र पैसे लेकर आया मतलब कि महेंद्र के क्रेडिट में 10,000, और ये कहाँ पे दिखाएंगे? बाय बैंक अकाउंट से दिखाएंगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट में टू महेंद्र कैपिटल अकाउंट 10,000। ओके, नाउ क्लोज नरेंद्र अकाउंट फर्स्ट। तो नरेंद्र की टोटल आती है 67,500, यही टोटल यहाँ पे लिखी है 67,500। अभी नरेंद्र के अकाउंट में जो भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो ही कैन नॉट शोल्डर हिज डेफिशिएंसी। तो उसकी डेफिशिएंसी कौन शोल्डर करेंगे? द रिमेनिंग पार्टनर, मतलब देवेंद्र एंड महेंद्र। जब तक नरेंद्र की डिफिशिएंसी महेंद्र शोल्डर नहीं कर रहा है, तब तक महेंद्र इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं है। सो दैट इज वाई नरेंद्र की जो जो भी बैलेंस आ रहा है नरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में, तो वो सारा बैलेंस क्या है? डिफिशियंसी है। और ये बैलेंस देवेंद्र और महेंद्र, ये दोनों पार्टनर शोल्डर करेंगे। ओके, रिमेनिंग पार्टनर शोल्डर करते हैं डिफिशियंसी इन देयर PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये दोनों ने शोल्डर किया, अमाउंट आ रहा है 28,519,000। इस तरीके से नरेंद्र के बैलेंसेस देवेंद्र एंड महेंद्र ने क्या किए? शोल्डर किए। तो ये इसका एक इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट, नरेंद्र कैपिटल के देवेंद्र के अकाउंट में होगा 28,500 एंड महेंद्र के अकाउंट में होगा 19,000। नाउ सी महेंद्र का जो टोटल है वो 64,000 आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर भी इसका टोटल लिख लिया 64,000। क्रेडिट में इसका डिफरेंस आ रहा है 14,000, क्योंकि उसने नरेंद्र का जो भी डेफिशिएंसी थी नरेंद्र की, वो उसने शोल्डर की। दैट इज वाई नाउ महेंद्र इज ऑल्सो बिकम इंसॉल्वेंट पार्टनर। इसके लिए महेंद्र भी अभी क्या बन गया? इंसॉल्वेंट पार्टनर बन गया। तो इसके लिए महेंद्र का जो डेफिशिएंसी आ रहा है महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में, महेंद्र का जो भी बैलेंस आ रहा है वो अभी क्या है? डेफिशिएंसी है। और ये डेफिशिएंसी अभी कौन शोल्डर करेगा? अभी एक ही पार्टनर रह गया है देवेंद्र, तो वो देवेंद्र शोल्डर करेगा। ओके, तो सेकंड पार्टनर का जो भी डेफिशिएंसी है, वो जो वन पार्टनर है
रिमेनिंग पार्टनर वो शोल्डर करेगा। तो इसका सेकंड इफेक्ट देखो, महेंद्र का देवेंद्र के कॉलम में 14,000 महेंद्र कैपिटल अकाउंट से, ओके। और यहाँ पे देवेंद्र का अकाउंट अभी टैली करना है, देवेंद्र का आ रहा है 1,36,000, और यहाँ पे 1,36,000 लिख के यहाँ पे जो भी बैलेंस आ रहा है 56,000 वो कहाँ दिखाना है, बाय बैंक अकाउंट से, ओके। तो यहाँ पे टू देवेंद्र कैपिटल अकाउंट 56,000 और बैंक अकाउंट यहाँ पे टैली हो रहा है। देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ नरेंद्र कैपिटल डेफिशिएंसी महेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, देयरफॉर हिज कैपिटल डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय देवेंद्र 14,000। तो इसके लिए क्योंकि महेंद्र ने नरेंद्र की डेफिशिएंसी शोल्डर की, दैट इज वाई उसकी डेफिशिएंसी देवेंद्र ने शोल्डर की, ओके। तो इस तरीके से ये टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम है। ये आप घर पे प्रॉब्लम देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके, बाय।